नमस्कार दोस्तों, आज हम वेजिटेबल सोया बर्गर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए गाजर घसा हुआ, थोड़ा ब्रेड क्रम्स, सोया चंक्स जिसको हमने उबाल कर रखा हुआ है, पनीर मैश किया हुआ, उबले हुए आलू व मैश किए हुए पत्ता प्याज, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, अमचूर पाउडर, नमक, गरम मसाला, तेल, अदरक व हरी मिर्च। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसमें तेल डालेंगे, घसा हुआ अदरक, हरी मिर्च, इसे हल्का भून देंगे। हम इसमें घसा हुआ गाजर, वो बारीक कटे प्याज, नमक, थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये पकने में मदद करेगा, डालकर इसे पकाएंगे। देखिए प्याज व गाजर पक चुका है, अब हम इसमें पत्ता प्याज डालेंगे व इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। उसके बाद उबले हुए आलू, पनीर, सोया चंक्स, ब्रेड क्रम्स व मसाले, काला नमक। काला नमक डालने से टिक्की व कटलेट वगैरह स्वादिष्ट बनते हैं, इसलिए हम काला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर व गरम मसाला, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। देखिए ये मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम गैस पर तवा को ऑन करते हैं जिसमें कि हम अपनी टिक्की को सेकेंगे। हाथों में थोड़ा तेल लगाकर हम इसका टिक्की, बड़ी टिक्की बनाएंगे ताकि ये बर्गर के अंदर हमको डालना है, तो ब्रेड के साइज़ की टिक्की मैं बनाऊंगी कुछ इस तरह। हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, अब हम इस पे ऑयल डाल देंगे और हमारी टिक्की को सिकने के लिए इस पे रख देंगे। देखिए हमारी टिक्की सिककर तैयार है कुछ इस तरह। ये फ्रेश मलाई लिया है हमने, अगर इसकी जगह आप अमूल का क्रीम भी ले सकते हैं। थोड़ा पत्ता गोभी ग्रेट किया हुआ, गाजर ग्रेट किया हुआ और नमक व काली मिर्च स्वाद अनुसार डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये बर्गर ब्रेड को हमने इस तरह से काट लिया है और इस पर बटर लगाकर हम इसी तवे पर थोड़ा सेक लेंगे। देखिए ये हल्का सिक चुका है। अब हम इसमें पत्ता गोभी व गाजर का पेस्ट लगाएंगे। उसके बाद लेट्यूस लीफ व इसके ऊपर खीरा व टमाटर, फिर चीज स्लाइस, टिक्की व ये बन लगाकर इस पर कवर कर देंगे।
लीजिए, हमारा बेस्ट सोया बर्गर तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।